Good morning and praise the Lord and greetings to all of you in the name of the Lord Jesus Christ. सुप्रभात आज के दिन और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत और अभिवादन. Remember, this is the day the Lord has given. और याद रखिए ये वो दिन है जो यहोवा ने बनाया और हमें दिया है. You know, don't say this day has not been good. और ऐसा ना कहें कि आज का दिन अच्छा नहीं रहा. If it has not been good to you, it is because your fault. और अगर ये दिन अच्छा नहीं रहे तो ये आपकी गलती है. Because God has not given us anything bad. क्योंकि परमेश्वर ने हमें कुछ बुरा या गलत नहीं दिया. The devil cannot give you another day. और शैतान भी आपको कोई नया दिन नहीं दे सकता. Only God can give. सिर्फ परमेश्वर ही दे सकता है. So rejoice in Him. और इसलिए परमेश्वर में आनंदित हो जाएं. Amen. Amen. And let us continue the study on the Lord's prayer as Jesus taught. और आइए हम अपने अध्ययन को जारी रखें प्रभु यीशु मसीह की उस प्रार्थना पर जिसे हमने शुरू किया. Remember the title. और शीर्षक अगर आपको याद हो, Intercessory worship and praise. और मध्यस्थता की आराधना और स्तुति. This is part 2. और ये उसका दूसरा भाग. Our last meditation on intercessory worship was closed by observing. और हमारा पहला भाग जो था मध्यस्थता की आराधना और स्तुति का, वो इस बात को कहते हुए समाप्त हुआ. That adoration brings man into immediate and direct contact with God. कि प्रशंसा पर मनुष्य को परमेश्वर के तुरंत ही और निकटतम रिश्ते में जोड़ देती है. And let us continue this meditation. और इस मनन को हम जारी रखेंगे. The first thing today is to observe is this. और जो पहली बात है जो आज के दिन हम देखेंगे वो ये है. In all prayer. कि सारी प्रार्थनाओं में. Praise is first. वो स्तुति पहले है. And worship is first. और आराधना पहले है. Praise puts God in His rightful place and position. और जो स्तुति है, प्रशंसा है, वो परमेश्वर को उसके सही स्थान पर रखती है. That is why Jesus started the prayer the way He did. और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने वैसे ही प्रार्थना की शुरुआत करी जैसे उसने किया. He is not asking anything. वो किसी बात के लिए कुछ मांगता नहीं. He is not saying anything else. और किसी बात को कहता नहीं. But Our Father which art in heaven, hallowed be your name. लेकिन वो प्रार्थना की शुरुआत ऐसे करता है कि हे हमारे बाप तू जो आसमां में है. And when we praise, when we begin our time of devotion with praise and worship. और जब हम अपने मनन के समय को स्तुति और प्रशंसा के साथ शुरू करते हैं. We are putting God in His rightful place. तब हम परमेश्वर को उसके सही स्थान और अधिकार पर बैठा रहे हैं. And in praising God, we declare His sovereignty. और परमेश्वर की स्तुति करने में हम उसकी सर्वव्यापकता को दिखा रहे हैं. And recognize His nature and power. और इस बात को पहचानते हैं कि उसका स्वभाव और सामर्थ्य और अधिकार क्या है. Another reason why praise is first. और दूसरा कारण कि क्यों प्रशंसा या स्तुति पहले है. Is the fact that in its very nature praise is unselfish. और क्योंकि जो प्रशंसा है वो अपने स्वभाव में ही स्वार्थहीन है. One of the greatest value of a praise is. और जो सबसे बड़ी गुण प्रशंसा या स्तुति का है वो ये है. That it decentralizes self and centralizes God. वो ये है कि वो खुद के ऊपर से ध्यान हटाकर परमेश्वर को मध्य या मुख्य स्थान केंद्र का बनाता है. Praise God. And when we do that, और जब हम ऐसा करते हैं, God is exalted. तब परमेश्वर का नाम ऊंचा होता है. We remove ourselves from being in the center. हम खुद को उस स्थान से निकाल देते हैं, उस मध्य स्थान और ऊंचे स्थान से. And we bring God in the center of our lives. And everything else we do. और हम परमेश्वर को अपने जीवन और हर एक उस बात को जो हम करते हैं उसका मध्य स्थान बना लेते हैं. And the worship and praise of God demands a shift of a center from self to God. और परमेश्वर की सच्ची स्तुति और आराधना करने की मांग भी यही है कि एक व्यक्ति खुद से ध्यान हटाकर परमेश्वर को मध्य और मुख्य स्थान दे. And Divine adoration is spiritual health. और याद रखिए आत्मिक प्रशंसा आत्मिक चंगाई या आत्मिक सेहत है. Because it changes our focus from self to God. क्योंकि ये हमारे ध्यान को खुद से हटाकर परमेश्वर की ओर केंद्रित कर देती है. See, in prayer, और याद रखिए प्रार्थना में we are concentrating on ourselves. हम अपने ऊपर ध्यान को रखते हैं. Our problem, हमारी समस्याओं, our need, हमारी जरूरतों पर, and we are bringing them all to God. और उन सारी बातों को हम परमेश्वर को लेके आते हैं. That is not the way the day should begin. लेकिन उस तरीके से दिन की शुरुआत नहीं होनी चाहिए. The day must begin by bringing God in the center and remove ourselves from the center. लेकिन दिन की शुरुआत तो ऐसे होनी चाहिए कि हम परमेश्वर को अपने जीवन का मध्य और पहला स्थान दे और खुद को उस मध्य और पहले स्थान से हटा. That's why it is spiritual health. और इसीलिए ये आत्मिक सेहत के बारे में है. Worship and praise. और आराधना और स्तुति. And many believers even remain weak spiritually because they only approach God to bring their needs to Him and expect Him to minister to them. कुछ विश्वासी आत्मिक रूप से कमजोर ही बने रहते हैं क्योंकि वो सिर्फ अपनी जरूरतों अपनी आवश्यकताओं को ही परमेश्वर को देते हैं, नहीं बजाय इसके कि वो परमेश्वर को मध्य स्थान दें. And that's why when we bring adoration and worship first, it changes our focus from self to God. और इसलिए जब हम प्रशंसा और स्तुति को पहला स्थान या मध्य स्थान अपने जीवन में देते हैं तो हमारे ध्यान को परमेश्वर की ओर केंद्रित करता है. And listen to this, praise set victory on course. और इस बात को सुने कि जो स्तुति है वो विजय की लिए एक मार्ग को खोलती है. And praise brings glory down to earth. और स्तुति ही परमेश्वर की महिमा को इस नीचे पृथ्वी पर उतार लाता है. In 2nd Chronicles chapter 5 verses 13 to 14. और दूसरा इतिहास उसका 5वां अध्याय 13वां और 14वां वचन. और जब तुरहियां बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे और तुरहियां झांझ आंधी वादों से बजाते हुए यहोवा की यह स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे. वह भला है और उसकी करुणा सदा की है. तब यहोवा के भवन में बादल छा गया और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े ना रह सके क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था. नोटिस इन दिस पैसेज एंड द पैसेज अबव. और इस वचन में इस अध्याय में इस बात को आप देखें दैट सोलोमन प्रेड कि सुलेमान राजा ने प्रार्थना की. बट It was the voice of praise and worship which brought down the glory of God. लेकिन दूसरे हाथ पर आप देखें कि ये तो परमेश्वर का स्तुति प्रशंसा ही था जो उसकी महिमा को पृथ्वी पर उतार लाया. Not the prayer. ना प्रार्थना ने नहीं. Solomon prayed a fantastic prayer. और सुलेमान राजा ने बहुत ही अद्भुत प्रार्थना को किया. Now I am not suggesting that you should not pray bringing our need. और मैं ऐसा नहीं कहता कि आप प्रार्थना ना करें और अपनी आवश्यकताओं को परमेश्वर के सामने. But before we do that, लेकिन इससे पहले कि हम ऐसा करें, let us bring the glory of God down from heaven. इससे पहले कि हम ऐसा करें होने दें परमेश्वर की महिमा को हम पृथ्वी पर उतार दें. And in this passage that happened when the priest began to blow the trumpet and praise God and offer unto God the adoration and worship. और इस वचन में तब ऐसा हुआ जब याजकों ने तुरहियां और बाजे बजाने गाना प्रशंसा करना शुरू किया और इसके कारण परमेश्वर के स्तुति और प्रशंसा के कारण पूरा भवन भर गया. And please remember, और कृपया करके याद रखें, praise and worship sends Satan running. और ये जो स्तुति और आराधना है ये शैतान को भागने पर मजबूर कर देता है. If you think that the devil is troubling you, और अगर आपको ऐसा लगता है कि शैतान आपको परेशान कर रहा है, kneel down before you sleep and as you wake up in the morning and offer unto God His praises and thanks and worship. तब आप घुटनों पर बैठ जाएं और सुबह और शाम को और परमेश्वर से गुहार लगाएं, प्रार्थना करें और तब देखें क्या होगा. And when worship and praise is offered, और जब आराधना और प्रशंसा होता है, how does Satan takes to running away? तब आप देखेंगे कैसे शैतान भागना शुरू करता है. You know, Satan simply cannot tolerate God's presence. आपको क्या पता है कि शैतान परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहना चाहता या उस उपस्थिति के सम्मुख वो खड़ा भी नहीं हो सकता. Psalm number 22 और भजन 22 and verse 3. और उसका तीसरा वचन. And listen to as Pastor महेंद्र रीड. परंतु जो तू इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है. Yes, he dwells upon the praises and worship of God's people. और परमेश्वर तो अपने लोगों की स्तुति और प्रशंसा में विराजमान है. And that is why Satan is allergic to praise and worship. और इसीलिए शैतान को बहुत तकलीफ होती है जब विश्वासी स्तुति, प्रशंसा और आराधना करते हैं. Adoration is antidote to the poison of satanic oppression. और याद रखिए, प्रशंसा ही वो दवाई है जो आपको शैतान के सताव से बचा सकती है. And so, इसलिए where there is massive triumphant praise, और जहाँ कहीं पर भी बड़े ऊंची और अच्छी आराधना और प्रशंसा होती है, Satan is paralyzed. तब वो शैतान को लकवा मार जाता है. And is bound and banished. और उसे बांध दिया जाता है और वो भाग जाता है. And that is why, और इसी कारण, when you are depressed, जब आप निराश हो, when you are weak, जब आप कमजोर हो, when you are sad, जब आप दुखी हो, the first thing is you begin to praise and worship the Lord. Not only these problems will be vanished, but the devil himself will be vanished. तब आप परमेश्वर का स्तुति, प्रशंसा और आराधना करना शुरू कर दे, ना केवल आपकी प्रार्थनाएं भाग जाएंगी, ना केवल आपकी मुश्किलें भाग जाएंगी, लेकिन सारी वो बातें जो आपको निराश किए हुए हैं आपसे दूर हो जाएंगी. And praise the Lord. और परमेश्वर का नाम स्तुति पाए. It is an expression commonplace in the vocabulary of most believers. और praise the Lord या जय मसीह की सभी विश्वासियों की शब्दावली में कई बार उपयोग किया जाता है. But what exactly it means? लेकिन इस शब्द का या इस वाक्य का मतलब क्या है? Or what do we mean when we say praise the Lord? या इसका क्या मतलब है जब हम praise the Lord या जय मसीह की कहते हैं? I am afraid that it has become such a common expression without realizing the meaning of it. Everybody say praise the Lord, praise the Lord. और मुझे डर ये लगता है कि कई लोग, और ऐसा ये बात बन गई है कि लोग इसे बिना समझे, इसका अर्थ जाने ही जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड बोल देते हैं. And what exactly it means? लेकिन इसका मतलब क्या है? Praise is the act of expressing one's esteem of a person. और याद रखिए, प्रशंसा इस बात को दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति का स्थान है. For his virtues or accomplishment. क्या उसने अपने जीवन में पाया या क्या उपलब्धियां उसने ग्रहण करी हैं? So when we say praise the Lord. और इसलिए जब हम जय मसीह की या praise the Lord कहते हैं, it is an act of expressing our esteem of the person of Jesus Christ. तब ये एक ऐसा कार्य है जो दिखाता है कि कैसे हम प्रभु यीशु मसीह का आदर करते हैं. His virtues. और कैसा उसके गुण हैं. And his accomplishment. और क्या उपलब्धियां उसने पाई हैं. And what are his virtues? और उसकी गुण क्या है? You know the attributes of God. और आप जानते हैं परमेश्वर के चरित्र के गुणों को. And the fruit of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के जो फल हैं. And everything is perfect in him. और प्रभु यीशु में हर एक बात सिद्ध है. And what are his accomplishments? और उसकी उपलब्धियां क्या है? His accomplishments are beyond comparison. और उसकी उपलब्धियां किसी तुलने के परे हैं. By accomplishing our salvation on the cross. और उसने हमारे उद्धार को उस क्रूस पर पूरा कर दिया. And everything else that Christ has achieved by coming down and giving himself to be crucified. और हर एक वो बात जो वो उस पृथ्वी पर उतर आया और अपने जीवन के बलिदान के द्वारा उसने हमारे लिए की. Then he rose again from the dead. और फिर वो मरे हुओं में से जिला दिया गया. He is alive. और वो जीवित है. And so what is his worth? तो उसका योग्य क्या है, दाम क्या है? It is to praise the Lord. When we say praise the Lord, it is to pronounce that person worthy of honor. और इसलिए जब हम जय मसीह की या प्रेज द लॉर्ड कहते हैं, तब हम इस बात को दिखाते हैं कि कैसे वो व्यक्ति आदर और सम्मान के योग्य है. So next time you say praise the Lord. और इसलिए जब अगली बार आप प्रेज द लॉर्ड या जय मसीह की बोले, think about it. आप इस बारे में सोचे. You are remembering his virtues. आप उसके गुणों को याद करते हैं. And you are remembering his accomplishment. और आप उसके बातों को याद करते हैं. And when you consider these things, और जब आप इन बातों को देखते हैं, and you will realize how Jesus Christ alone is worthy of all honor. तब आप इस बात को समझेंगे कि कैसे यीशु मसीह सारे आदर के योग्य हैं. But rendering praise to God is even more than this. लेकिन प्रभु परमेश्वर को आराधना देना, आदर करना इससे कहीं ज़्यादा है. You know the word praise has its origin in French. क्या आपको पता है प्रशंसा या स्तुति जो शब्द है उसकी शुरुआत एक फ्रेंच शब्द से हुई. That French word is praiser. और उस जो फ्रेंच शब्द है वो है praiser. Which means जिसका मतलब है to praise a person. तो जिस एक व्यक्ति को ऊंचा मानना या उसको कोई तोहफा देना. That means जिसका मतलब है praise God is to praise Him. That means the word praise means to value. और इसलिए praise the Lord या जय मसीह कहने का मतलब ये है कि आप प्रभु यीशु मसीह को बहुत खास और सबसे ऊंचा और बहुमूल्य मानते हैं. What is his price? उसका मूल्य क्या है? We say something. It is priceless. और ये तो बहुमूल्य है. And that is what we can say of our Lord and Savior Jesus. और इसी बात को हम अपने प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के लिए कह सकते हैं. He is priceless. कि वो बहुमूल्य है. He is beyond any price can be paid. और वो कोई भी दाम के परे है. The word price means to value or to esteem. और जो शब्द दाम चुकाना या खास मानना का जो मतलब है वो ये है ऐसा व्यक्ति जिसको हम बहुत खास और ऊंचा समझते हैं. Or cherish someone or something. और या दूसरे शब्दों में हम किसी के साथ रहना बहुत आनंदित और खुश पसंद करते हैं. And during our times of praise, और हमारे प्रशंसा और स्तुति के समय में, we cherish and esteem God. हम परमेश्वर का आनंद लेते हैं और उसी को सबसे ऊंचा बनाते हैं. How? कैसे? With our words of adoration. हमारे प्रशंसा के शब्दों के द्वारा. So this morning. तो इसलिए आज की सुबह. As you begin. जैसे आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं. Begin with this worship and praise. और आराधना और स्तुति के साथ दिन की शुरुआत करें. Think of the value of Jesus. और यीशु मसीह के जो दाम था, जो मूल्य था, उसके लिए आप सोचें. What value you will give to him? और क्या दाम उसके लिए आप देंगे? Is there any price that you can fix on him? क्या उसके लिए आप कोई दाम चुका सकते हैं? No. नहीं. He is priceless. वो तो बहुमूल्य है. Is beyond any price you can ever afford. किसी भी मूल्य जो आप चुका सकते हैं उसके परे है. But he makes himself available to you. लेकिन वो अपने आप को आपके लिए उपलब्ध करता है. That is his mercy. और ये उसकी दया है. That is his kindness. और ये उसकी करुणा और नम्रता है. Hallelujah. Hallelujah. That's why we sing in that chorus. His kindness is better than life. और इसीलिए हम उस गीत को भी गाते हैं कि तेरी करुणा जीवन से भी अच्छी है. Thy loving kindness is better than life. और तेरा करुणा जीने से भी बेहतर है परमेश्वर. Begin there. वहाँ से शुरुआत करें. You have a priceless someone who is worthy of all our honor with you. और आपके पास कोई ऐसा है जिसका कोई मूल्य नहीं, एक ऐसा जो आपके लिए बहुत खास है. He is in you. और वो आप में है. And he who is in you is greater than he that is in the world. और जो आप में है वो उससे जो इस संसार में है कहीं ज्यादा शक्तिशाली है. May the Lord bless you today. परमेश्वर आज के दिन आप सबको आशीष दे. As you meditate on this. जैसे कि आप इस वचन पर मनन करते हैं. Please understand what these expressions really mean. कृपया करके इस बात को समझें कि इन बातों का क्या मतलब है. So when you next time you say praise the Lord to somebody. और इसलिए अगली बार जब आप किसी को जय मसीह की या praise the Lord कहते हैं. You must remember what it really means. तब आपको ये याद रखना है कि इस वाक्य का क्या मतलब है. This person whom I am praising. जिस व्यक्ति या जिस व्यक्ति के नाम में मैं ये कहता हूँ. Is beyond any price. वो किसी भी मूल्य के परे है. Is greater than anything else. वो किसी भी बड़ी बात से भी महान और ऊंचा है. He is altogether worthy. और वो सारी बातों के योग्य, worthy of all my praise and worship, सारी आराधना स्तुति और आदर के योग्य है, and exalt him, इसलिए उसका नाम ऊंचा, enthrone him as the greatest person in your life, और उसे अपने जीवन के सिंहासन पर सबसे ऊंचे और प्रथम व्यक्ति के रूप में बैठाएं, and at the end of the day, और दिन के अंत में, you will rejoice, आप आनंदित हो जाएंगे, amen, amen, may the Lord bless you, परमेश्वर आप सबको आशीष दे, as you trust the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा पर विश्वास करते, to make Jesus precious, कि आप यीशु को बहुमूल्य आके, we will continue, हम इस अध्ययन को जारी रखेंगे, our part 3 will be next time we have the meditation, और हमारा तीसरा भाग अगले मनन में आएगा, don't miss it, और इसे छोड़े ना, amen, amen.